नाउ कंसिडर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ब्रैकेट जो यहाँ पे प्लेस करी गई है बी क्रॉस सी पे प्लेस करी गई है, ठीक है। तो हमें इस जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये एक वेक्टर प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स दैट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहें। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, सपोज़ इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई ग्रीन वेक्टर है, ठीक है, ग्रीन वेक्टर है या ये प्लेन है जिस पे ये परपेंडिकुलर है आपका ग्रीन वेक्टर, ठीक है। तो जो ये ग्रीन लाइन होगी दैट इज़ नोन एज ए नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन। अगर ये प्लेन की नॉर्मल है तो कोई भी वेक्टर अगर आप कंसीडर करते हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर आप कंसीडर करते हो इस प्लेन में, ठीक, या आपको ये कह दिया जाए कि इस ग्रीन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। तो अगर हम कोई वेक्टर ड्रा करते हैं, सपोज़ ये हमारा कोई वेक्टर है और ये इस ग्रीन वेक्टर से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। सपोज़ अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब कि वो वेक्टर कहाँ आ जाएगा आपका, वो वेक्टर इस प्लेन में आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर हमें इस ग्रीन वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा करना है तो वो सारे वेक्टर इस प्लेन में लाई करेंगे, ऑल दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्रीन वेक्टर्स, ठीक है। अब रिवर्स सोचा जा सकता है, ठीक है, रिवर्स क्या सोच सकते हैं हम लोग, कैसे ना कंसीडर ए वेक्टर बी एंड सी। तो बी क्रॉस सी आपका कहाँ होगा, बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा आपका, वो जो बी क्रॉस सी वेक्टर आपका होगा बी क्रॉस सी, तो बी की तरफ हम लोग पाम करेंगे और सी की तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। बी की तरफ आप पाम करोगे और सी की तरफ कर्ल करोगे, तो जब बी की तरफ पाम करके सी की तरफ कर्ल करोगे तो ये वेक्टर जो आएगा वो इस साइड में आएगा, दैट मीन्स दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। तो ये आपका बी क्रॉस सी का डायरेक्शन है। अब अगर हमें ये देखना है कि ये जो वेक्टर आया है बी क्रॉस सी और जो वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर्स अलग प्लेन में हैं, बी सी के प्लेन में है नहीं, तो बी क्रॉस सी मतलब अगर ए की तरफ हम पाम करें और इस डायरेक्शन में कर्ल करें, ठीक है, तो वो वेक्टर किधर आएगा। ये जो प्लेन है ये ए और बी क्रॉस सी का प्लेन है, मतलब ग्रीन वेक्टर और वाइट वेक्टर जो हमने ए ड्रॉ किया गया है ये इनका प्लेन है, और जो हमारा इनका प्रोडक्ट आने वाला है ए से बी क्रॉस सी की तरफ कर्ल करेंगे, जो ये प्रोडक्ट आने वाला है वो प्रोडक्ट कहाँ आएगा, तो सिंपल सी बात है ये रेड वाला, दैट इज़ द ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये कहाँ है, ये वेक्टर बी और सी के प्लेन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये वेक्टर बी और सी के प्लेन में आता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर बी है और वेक्टर सी है और जो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये तीनों ही वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ठीक है, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, दीज आर द कोप्लेनर। और अगर कोप्लेनर हैं तो हम इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को लिख सकते हैं दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, दैट मीन्स सम लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी और प्लस सम म्यू टाइम्स वेक्टर सी, वे लैम्डा एंड म्यू आर सम रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर हम कह सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन जीरो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोप्लेनर है, या यूं कहें कि कोई भी वेक्टर बी और सी के प्लेन में लिखना है तो वो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं बी और सी का, लैम्डा बी प्लस म्यू सी। अब जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,
तो लैम्डा जो टर्न आउट होके आता है दैट इज इक्वल्स टू दैट कम्स आउट टू बी ए डॉट सी, ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी। ये क्या है, जो आपका सबसे ए से जो सबसे दूर वाला वेक्टर है, ठीक है, ए डॉट सी आता है, ठीक है, बी का कोफिशिएंट। और जो म्यू है दैट कम्स आउट टू बी ए डॉट बी, मतलब ए के जो नज़दीक है, इसका माइनस टाइम्स, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट कुड बी रिटेन एज ए, ये एक नंबर होगा, ए डॉट सी एक नंबर होगा, दैट मीन्स ए डॉट सी स्केल अप कर दिया जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर को स्केल अप किया गया है, ठीक है, मतलब ए डॉट सी टाइम्स वेक्टर बी को स्केल अप कर दिया, इसकी लेंथ को अल्टर किया गया, बढ़ाया या घटाया गया, डिपेंड करता है ए डॉट सी की वैल्यू जो आएगी वो उसका मैग्नीट्यूड एक से ज़्यादा होगा या फिर एक से कम होगा। अगर एक से ज़्यादा होगा तो लेंथ बढ़ गई होगी, है ना, एक से कम होगा तो लेंथ घट गई होगी, तो इसे स्केल अप किया गया। इसी तरह से जो सी वेक्टर है उसको स्केल अप किया गया, कितने टाइम्स, ए डॉट बी टाइम्स, ए डॉट बी टाइम्स दैट इज सी। तो ये आपका, ये टोटल आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, इसका। सपोज हमने ले लिया आई क्रॉस जे क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब आई से सबसे जो दूर वाला है, ठीक है, आई डॉट के, उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट टाइम्स जे माइनस पहले का जो नज़दीक वाला है, ठीक है, डॉट जे, ठीक है। तो इसे ऐसे ही कह सकते हैं कि फर्स्ट, इसे हम कह सकते हैं दैट इज़ फर्स्ट सेकेंड एंड दैट विल बी द थर्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट थर्ड सेकेंड माइनस फर्स्ट थर्ड सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट थर्ड सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है आई है, सेकेंड आपका जे है, और ये क्या आपका है, थर्ड है। तो ये हो गया फर्स्ट थर्ड सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड मतलब के कैप। जाहिर सी बात है ये जो वेक्टर होगा वो जे के प्लेन में होगा, जे के मतलब वाई जेड प्लेन में होगा ये वेक्टर, ठीक है। अच्छा, आई और के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, और आई और के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, दैट बिकम जीरो। एंड आई जे आल्सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो टोटल क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, ठीक है। तो आई जे का, आई जे के का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जीरो आता है, जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपने निकाला होगा तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वन आता है।